अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायक अजय लाल यादव, आप किरण म्यूजिक कैमूर मोहनिया, आप बड़े भैया वीरेंद्र भैया के देख रेख में आप लोग के बीच में एक नया घटना, नया कांड बेहद मांग के ऊपर आप लोग के बीच में हम भेज रहल बानी। पूरे भोजपुरिया भाई चाचा बाबू सबके हम हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी, और आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग के प्यार दुलार हर वक्त हर समय मिला है, और मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि इस बिरहा को भी आप लोग प्रेम दुलार देंगे, हमको भी प्रेम दुलार देंगे। चार लाइन भूमिका के अंदर कहना है मास्टर साहब। दोस्ती में न होती अमीरी गरीबी, जाति न पाती छोटाई बड़ाई, वक्त पे जान पे जख्म सह करके अपना, दोस्ती का हद तक निभाया मिताई, दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया कृष्ण जी, विप्र सुदामा की मड़ई अटारी बना, पैहार साबिरी गुरु मुसई कहे अंत का साथी असली मुरारी बना। बड़ी आप लोग कांड सुन ली, लेकिन ये भाई के आवाज से, बेटा के आवाज से एक कांड सुनी। कांड होला का, बिरहा का शीर्षक हमारा है दोस्ती का फर्ज। बा दोस्ती का हो खेला राजनीति भैया, जीतन बाबू प्यार का हो खेला। अरे प्यार तो था, दोस्ती था कृष्ण सुदामा का, कि झोपड़ी से महल अटारी बना दिए। और बिहार के घटना, पटना से आप लोग आगे जाएंगे, दरभंगा पड़ता है, उस जगह की घटना बाहू बाबू, कव्वाली के भाव में कहना बा जीतन बाबू, कैसे बा? अरे खुदा तेरी रहमती कहाँ है, ए निगाहें तेरे बिन तरसती, अरे खुदा तेरी रहमती, तेरे बिनी तरसती, तेरा बंदा, तेरा बंदा तेरे द्वार आया, तेरी रहमत कहाँ पे बरसती, तेरे बंदा तेरे द्वार आया, तेरी रहमत कहाँ पे बरसती, तेरे बंदा तेरे द्वार आया।
दोस्ती प्यार करना सहज चीज है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। उसी को इंसान कहा जाता है, उसी को ईमानदार कहा जाता है, जे दोस्ती प्यार कर ले हलस आ जीवन भर वो की निभा देलस। कहना बाभाव में यार से यार करना सहज है, यार से यार करना सहज है, पर निभाना बड़ा होता मुश्किल। यार से यार करना सहज है, पंचो निभाना बड़ा होता मुश्किल। बाहर लिखने वाले चांदनी चार दिन का है होती, फिर अंधेरी निशा होती मुश्किल। चांदनी चार दिन का जगह से हमार कहानी शुरुआत बा। कहां के कहानी बा, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, बड़ी आप लोग कांड सुनी ना, बिरह सुनी ना, मिजाज बना के दिल दिमाग से गाना के रूप सब सुनो। तो जैसे शीशा में आप लोग चेहरा देखी ना, वैसे साफ साफ कहानी समझ में आ जाइए। शुरुआत बा कहानी कैसे मास्टर। जिला दरभंगा में कारेसर एक नगरी है, हिंदू मुस्लिम का संख्या लगभग बराबरी है। अमित हिंदू था या दो घर जन्म पाया था, अमित हिंदू था या दो घर जन्म पाया था, सलीमा मुस्लिम के संग यारी को लगाया था। दोनों संग संग स्कूल आते जाते थे, दोनों संग संग स्कूल आते जाते थे, दोस्ती का फर्ज खुले दिल से वो निभाते थे। एक के बिना एक चैन से न रहता था, एक के बिना एक चैन से न रहता था, मित के देख बिना मित मरा करता था। आए भैया पटना से आगे जाइब लोग, दरभंगा जिला अंतर्गत एक गांव जोने गांव के नाम करेसर, वही करेसर गांव के रहे वाला मुसलमान का लड़का सलीम और हिंदू जादो कुल में जन्मा जिस लड़का का नाम अमित बताया गया, दोनों साथी का अजीब जोड़ी बा, संग ही खात पियत रहलन, संग ही बैठा उठा, संग ही पढ़े जा, यहाँ तक प्रमाण मिलल कि वो दोनों अगर एक घंटा बिछड़ जात रहलन तो एक के बिना एक ना रहत रहलन। एक दिन स्कूल से पढ़ के आ दोनों साथी हो बाबू घर के ओर लौटत हुवन, आ जब लौटलन हो बाबू तो एक ठे घटना घटल। का घटना घटल एक लाइन यहाँ तर्ज बा, वह किसके लाइन बा, के देश मोर पिया मोर नाली अइले, पिया मोर नाली अइले,
रवन के देश मोर पिया मोर नाली अले लगल मोर निया के ठेस मोर पिया मोर नाली अले गीत में दून मित्र पढ़ के स्कूल से घर के ओर लौटत हुन बा आ जब घर के ओर चलन हो बाबू तो एक घटना घटल का पढ़ के स्कूलिया से दून मित्र घर आवा के धैले लरा दिलवा में सपना सजावे दिलवा में सपना सजावे घरवा के धई लहलरा दिलवा में सपना सजावे होई जाय जिंदगी अनबाह दिलवा में सपना सजावे तरह तरह के दोनों मित्र सपना सजावत कौन पढ़ा लिखल जाई कोनो सर्विस पकड़ल जाई माई बाबू के गरीबी दूर कर जाई यह मन में सोचत कौन तब तक एक घटना घटल कौन तया बाबू पीछे रही मैं ये गो कारवाला मिलले हला हला झूठ बोल के गाड़ी में बैठवाले अरे तबले न तैया कसैया अरे तबले न तैया कसैया दिलवा में आवे नया दिलवा में सपना सजावे आए नया दिलावा में सपना सजावे होई हाँ जिंदगी अनबाह दिलावा में सपना सजावे अरे बाबू बीच रास्ता में एगो कार वाला गाड़ी लेके डायरेक्ट दून मित्र के पास पहुंचल हो देखलस कार वाला की दू गो लड़का आवत हुन रोक दिया गाड़ी बोला बेटा कहाँ जाना है दोनों मित बतावत हुन भैया हमन के आगे गांव करेसर हा करेसर जाए के हा ए बाबू गाड़ी में वह ड्राइवर बैठा लिया दोनों साथी बैठ गयलन आ जब बैठ गयलन हो आगे लेके जब गाड़ी चढ़ल चलल बा आ जब आगे गाड़ी चलल बीच रास्ता में ले जाके दोनों साथिन के नटई दबावे लागल सोच गया दोनों मित कि हम लोग किसी विपत में पड़ गए किसी आफत में फंस गए हम लोग को ये ड्राइवर अपहरण कर लिया है यही दोनों मित्र सोच रहे हैं तब तक गाड़ी भगाते भगाते खेदते खेदते कुछ दूर जंगल में लेकर चला गया और जब जंगल में लेकर जाता है बाबूजी तो एक काम किया कौन ऐसा काम करता है एक लाइन है तर्जबा मास्टर यह गीत गलाइन बा माता बहिन लोग जब गंगा स्नान करे जाली ते गीतिया के गावे ली कैसे कि तोहके चढ़ब मैया अरे नरियल चुनारिया हो कि गंगा जी
बोझल नैया कोई दा किनारिया हो कि गंगा जी, बच्चों के लेकर बीच घना घोर जंगल में पहुंचता है। और जब जंगल में गई बा तैसे काम कैलस का गड़िया ले गई ले पापी बीच घोरे पानवा हो सुगनवा डहके, गड़िया ले गई ले पापी पीछे घोरे बनावा सुगनवा डके, थोरल चाहे पपिया नया नवा सुगनवा डके, तलवार को। और तलवार को लेकर वह ड्राइवर जो यादव का लड़का था अमित, उसके नैन पर ले जाकर आंख को निकलना शुरू कर देता है। मुसलमान का बेटा सलीम रोने लगा और रोकर कह रहा है, करता है क्या, हाथ जोड़ी सलीम बोला सुन लमर पुकारावा ए सरकार, ए अमीर, हमारा दोस्त माँ बाप का इकलौता बेटा है, भैया हो बाबू हो आप हमारे, जब आवाज के सुनत बानी तो हमन के दो भाई बानी जा, बार भगवान दोस्ती किसको कहा जाता है। अगर हमारा आप नैन के निकाल ले, हमारे छोट भाई माई बाबू का रक्षा करी, परिवार का रक्षा करी, लेकिन अगर अमित मर जइहन तो इनकर माई बाबू के बुढ़ापा के कोई सहारा ना बा, कह रहा है एक कही अमित माई के दुलारा हो, माई के दुलारा हमारा तो घर बाला, हमारा तो घर बाला बड़ा कबीरा नवा सुगनवा हमारे, हमारा तो बारा घर बड़ा कबीरा नवा हो सुगनवा हमारे, फोड़ल चाहे सलीम के नया नवा हो सुगनवा हमारे, कहता है सरकार हमारा आपने निकाल लीजिए, मैं दो भाई हूं। लेकर वह जो ड्राइवर था जो किटनी का धंधा करता है, बच्चों को धंधा करता है, नैन को धंधा करता है,
जिसको हम लोग अकड़वा कहते हैं। ए बाबू ले के तलवरिया आ, तुरंत सलीम के अखिया पर भिड़ोलस हो आ, दोनों अखिया निकाल लेलस आ, दोनों जब नैन निकलले बहु बाबू, अमित नैन से देख रहा है, आंख से देख रहा है और नैन निकाल कर वह पापी करता है क्या। एक लाइन मास्टर बाबू यहाँ गीत बा। कोनो अलपटाह मरद गइल बा आ जब घरे गइल बा, मान ला हमारे बड़का भैया विनोद सिंह यादव अहुआ के धरती से आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं और उधर हमारे गार्जियन आप किरण म्यूजिक के मालिक आप बड़का भैया वीरेंद्र भैया बैठे बानी, गइल बा घरे आ जाके ऐसा लड़बरा कुछ काम कर दहलस, मेहरानू बेचैन हो गई कहे सुमा सुमा लगे में नथिया तोड़ला झका झुमर में बाली हो, लेकिन जवना कढ़वा बा वह ड्राइवर सलीम का दोनों नैन को निकाल लेता है। आ जब निकाल लेलस हो बाबू तो दोनों मित के छिपावे खातिर एक ठे काम कैलस, कौन काम कैले बा दातमान के सलीम के तबली हल नैन निकाल हो, दोनों साथी के लेके आए संगल मधार हो, दोनों साथी के लेके सलीम के नैनवा के निकाल हलस। अब दोनों के छिपावे खातिन वही जंगल में नदी के किनारा लेके गई, नदी के किनारा लेके गई बा ते अच्छा काम कैलस, कौन काम कैले बा तुरंत चढ़ी के नया ऊपर बीच नदी गईले नया गईले मारा या खा कढ़वा डूबी गईले, जहाँ मिलल कछारा हो बहुत गईले आगे पीछे, ए बाबू वह अकड़वा जो था दोनों साथी को लेकर नदी के किनारा जाता है, नाय पर बैठ गया, नाय पर बैठकर दोनों साथी को भी बैठा लेता है। जर्जर अवस्था में दोनों नैन से टप 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 खून गिरत बा सलीम के, अमित बगले में बैठ के टूअर ने टक टक ताकत बा, बारे भगवान दोनों साथी के लेके जब बीच रास्ता में गई बा, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बारे भगवान की मर्जी बीच धार में जब वही पहुंचल बा तो वही नाय मरा गई। आ जब नाय मरा गई हो भैया नाय के सहित जौन अकड़वा बा जौन ड्राइवर रहल
ओहि जगह डूब जात बा आ दोनों साथी ओहि पानी में लगलन बहे बहत बहत एक साथी एह किनारा एक साथी एह किनारा दोनों जाके अरार के बगल में लग गईलन कैसे हूँ जुरकुट पकड़ के जवन की आरी होखल नदी के कैसे हूँ पकड़ के सलीम नदी के ऊपर जाके बैठलन अमित भी जाके पकड़ के ऊपर बैठल बा संग छूट गई आ जब संग छूट गई हो बाबू दोनों साथी दोनों अरार पर बैठ कर रो रहे हैं और इधर तब तक खबर हुआ घर पर माँ को पिताजी को खबर चला कि मेरा बेटा नहीं अभी तक लौटा ए बाबू लाख लोग खोजे लाख पता लगाए लेकिन पता नहीं लगा अजब पता नहीं लगा इधर देखें नितानी माझी जो था घूमते फिरते आता है नदी पर और आकर सलीम को लेकर चला जाता है अपने घर और उधर अमित जो है सो घूम रहा है बाहर भगवान की मर्जी गोरखपुर के रहे वाला एक सेठ देखता है अमित को देखा कि बहुत सुंदर लड़का है बैठा हुआ है जाता है अमित के पास और जाकर उस अमित को अपने गोदी में सटा लेता है जो सेठ था उसका एको बाल बच्चा नहीं थे बारे भगवान जाकर उस अमित को लेता है और लेकर गोरखपुर शहर में चला गया उधर तो वो लेकर चला गया उधर जो सलीम था सलीम को जो माझी था जिसको हम लोग मलाह कहते हैं वो ले जाता है अपने घर पर और उसको भी वो भोजन पानी देने लगा सोच रहा है सलीम कि मैं कौन दिन इसके यहाँ रह कर खाऊंगा जबकि दोनों नैन नहीं है अंधा है ये दुनिया में बतावल जाला कि अगर आँख नहीं खे तो वो आदमी के वो इंसान के कहीं कुछ नहीं खे लेकिन देखे इधर जो सलीम था धीरे धीरे 18 वर्ष का हो गया मजबूरी में बाबूजी झोला को उठाया है गुदड़ी को लेता है और भीख मांगना शुरू कर दिया अब हर जोन अमित होवन अमित पढ़े लिखले लगलन अब पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बन गेलन आ जब डॉक्टर बनलन हो भैया तो कवि जी यहाँ भाव लिखलन कैसे मास्टर पढ़ी लिखिया मेता बनल भारी डाका तारा वायर भारी बिहल डाका तारिया जमायन हो राम किया हो रमारे ए हवर सलीम लेके झोली या कटोरा वायर झोली या कटोरा वाहो रोज रोज भीख मांग जायन ओ राम किया हो रमारे भीख मांगते मांगते धीरे धीरे गोरखपुर शहर में पहुंचा गोरखपुर शहर में पहुंचता है ए बाबू वही समय गोरखपुर शहर में हिंदू मुस्लिम में क्राइम भइल बा त कवि जी यहाँ भाव लिखलन मांगता सलीमा खाता गाई ला गोरखा पूरा गा हिंदू मुस्लिम क्राइम छीड़ल बात न हो राम किया हो राम रे
पापकारी लिहले रोगा पापकारी लिहले धीरे धीरे कदम बढ़ाया न हो राम जाता है भीख मांगते हुए गोरखपुर शहर में हिंदू मोहल्ला वाला रोड पकड़ा हुआ है। आगे कदम को बढ़ाया कुछ लोग हिंदू के जो लोग थे उसको पकड़ लिए। ए बाबू जब पकड़ ले हलन पूछे लगलन अंधा से कि तुहार नाव का हा तुहार गांव का हा अंधा रोवत बा भीख मांगत बा कैसे कवि जी यहाँ भाव लिखलन भजन गा रहा है भीख मांग रहा है प्रभु के गुनवा गावेला झोली कटोरा देखावेला प्रभु के गुनवा गावेला झोली कटोरा देखावेला मांगता मांगता भीखा मांगता मांगता भीखा मांगता मांगता भीखा जबरी पकड़ी लिहले हिंदू लगावा जबरी पकड़ी लिहले दैलावन बेचारा अंधा भगवान के नाम लेके भीख मांगत बा लेकिन कैलन ह का डांडी डांडी पूछे सबा पतावा ठेकानावा पतावा ठेकानावा नवा सलीम हमा है मुसलमानावा कोई कहे मारा जा कोई कहे छोड़ जा कोई कहे मारा जा कोई कहे छोड़ जा कोई कहे ले जाए के टकटरवाती हां जहर वाली सुई होई खत्म खेलावा पकड़ लिए लोग पूछ रहे हैं बताता है अपने नाम को कि मैं जात का मुसलमान हूँ सरकार मेरा काम है दिन भर भीख मांगता हूँ और भीख मांगकर भोजन चलाता हूँ आए है कुछ लोग कह रहे हैं कि जात का मुसलमान है इसको हम लोग मार कर फेंक दे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मरना उचित नहीं है एक ले चले के हमन के बहुत बड़का डॉक्टर बाला और डॉक्टर के पास लेके चलल जाई धीरे से जहर वाली सुई दे दी हन मर जाई बा समझा करत अपने में विचार विमर्श करत ओ अंधा के सलीम के लोग पकड़ के वो डॉक्टर के पास ले गईलन केकरे पास अमित के पास आ जब ले गईलन हो बाबू बैठा हुआ है चेम्बर में जाकर नीचे बैठा है झोली को लिया है कटोरा को लिया है ए बाबू डॉक्टर साहब आदेश दिए कि यहाँ से सब लोग चले जाओ जब सब लोग चले लन तो डॉक्टर साहब वो अंधा से पूछत हुन आखिरकार बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है दोनों अखिया से झरझर झरझर आंसू चलत बा जब ये बतिया पूछलन डॉक्टर साहब तो अंधा रो कर वह डॉक्टर साहब से एक बात बताया कैसे मास्टर बाबू टेरिक भाव किया बाबू मिताई हा
सागर के पनिया कि मिताई हा सागर के हो मिताई हा सागर के पनिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बड़ी ऊंची बात बोला वह अंधा कौन सलीम डॉक्टर साहब जब पूछ रहे हैं तो मिताई है सागर के पनिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई यही हिंदुस्तान की धरती है डॉक्टर साहब जहां लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान अवतार लिए गंगा की धार बहा करती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है खैर ठीक है जब इतनी बतिया कहलन अंधा हो वो डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि कोई ये जानकार बेटा है फपक फपक के वो अंधा रो रहा है और रो कर पूरा जिंदगी के बाद वह डॉक्टर साहब से बता रहा है का बतौलन हो बाबू विदेशिया के बाद में कहना बा का कही कैसे कही ए बाबू और दिलवा के बतिया हो ए डॉक्टर साहब सिरवा पना चाहते बाटे हमारी माऊतिया थोड़ा सा जिसके अंदर इंसानियत का चीज दिल में होगा भैया हो चाचा हो बाबू हो थोड़ा गौर करेंगे वाह भरी जिंदगी का बात वह अंधा वो डॉक्टर साहब से बता रहा है कि गौआ करे सरी हुए अनौआ सलीमा हुए आय बाबू रहो हमारे जिंदगी के सखी डॉक्टर साहब एक टक नजर लड़वेले हो अंधा पर गांव करे सर नाम सलीम बा सोच रहे हैं तब तक अगली लाइन अंधा सलीम रो कर ढहकत बा आ ढहक के वो डॉक्टर साहब से उठे बात कहलन उन्हीं के खाती नया खा तब बीते दिन राती दुनिया में क्यों नहीं आया पना बुझात बाटे कैसन अफताईली कैसन अफताईली तब फूटल की सामती रो रो कर सारी बात वह डॉक्टर साहब से वह अंधा बताता है आए बाबू डॉक्टर साहब सोचने पर मजबूर हो गए सोच रहे हैं कि यही सलीम है जो कि हमारे लिए अपना दोनों नैन को दे दिया जो कि हमारे लिए जीवन अपना न्यौछावर कर दिया बा डॉक्टर साहब दोनों हाथ से उठाते हैं और उठाकर नीचे से उसको कुर्सी पर बैठाते हैं रोवत बयांदा बा बाहर मित्रता यही के कहल जला
दोस्ती यही के कहल जला। रो रो के जब बता दहलस बात वो अंधा, डॉक्टर साहब सारी बात सुन लेलन, भोजन मंगवलन, पानी पियवलन, भोजन करा के पानी पिया के विधवत बैठवलन। आ जब विधवत बैठवलन हो बाबू, सोचे लगलन कि अगर हमन के दोनों मित्र आज जीवन में भेंट हो गई, कहलन कि हम ही अमित हैं, हम ही अमित हैं, गोरखपुर शहर में सेठ के यहाँ चले नी, सेठ साहब हमके पढ़ावे लिखावे लगलन, हम डॉक्टर बन गई नी, टोवत बा अंधा टोवत बा, देखत बाकी है डॉक्टर साहब हवन ये अमित हवन। रो के छतिया में छतिया लिपट गई हो बाबू, सोच गए डॉक्टर साहब कि जब हमारे लिए एक हमारा दोस्त जिंदगी त्याग दिया, बताए कि जिसका नैन नहीं है उसको दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, जीना बेकार है, छतिया से छतिया लिपटल हुआ न, तो कभी जी यहाँ अल्लाह के भाव लिखलन कैसे मास्टर बाबू। हाय सोच के सलीम बोला अमित से बचनिया बाबू, तरला से तर नहीं लिखल हो ना, जियला से नीक बटे पलकी मऊतिया बाबू, बोला अमित संग ही मुअल दियल जाई हो बाबू, मना में क्रिया दोनों है न बरिया, बा बतौनी हम पहलवे कि मित सच्चा वही अंत तक साथ दे, बा बा रे भगवान, सोच गया अमित कि हमारे लिए एक दोस्त अपना जिंदगी दांव पर लगा दिया, तो मैं जीकर क्या करूंगा, दोनों संग ही मरे जिए के कसम खिलन। आए बाबू जब मरे जिए के कसम खिलन हो भैया, तो कभी जीतन के ऐसा अल्लाह बदल दहलन कैसन मास्टर बाबू। आवा बाबू मनवा में क्रिया दोनों खैला मरिया, अरे दोनों साथी अपने अपने हाथ में कतारी, भैया राम रहमान कही के सिनेमा में मां, अरे गजब से नहीं आ रहा लब चपन के, अरे गजब से नहीं आ रहा लब चपन के, कहे के मतलब कि आज भी प्रमाण बा, अभी तत्काल के घटना आप लोग शहबाजपुर के नाम जानते होंगे, मोहनिया थाना में शहबाजपुर गांव के नाम जानते होंगे, उसी शहबाजपुर गांव के एक लड़का रहने वाला पंडित का जात का ब्राह्मण था, और मोकरी बेतरी के रहने वाला एक लड़का कुर्मी का, दोनों संग ही दोस्त रहलन। आ दोनों गैलन बाबू नदी नहाए खातिन, शहबाजपुर का लड़का जो दोस्त था वो डूब जाता है, और वो भी जब डूबने के लिए गया कुछ लोग पकड़ लिए, लेकिन यह प्रमाण मिला कि वह लड़का जाता है गांव पर मोकरी बेतरी में गया, और जिस दिन इस लड़का का काम क्रिया था
उस दिन वो भी फसली लगाकर मर गया। सोच गया कि मेरा मित्र नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में रहूंगा नहीं। उसी तरह दोनों मित्र, अमित राम का नाम लिया, सलीम रहमान का नाम लिया। सलीम अपने सीना में कटारी को मरता है, अमित अपने सीना में कटारी को मरता है। ई बाबू दोनों संग ही ये दुनिया को छोड़ देलन। तय से कवि जी आखिरी लाइन में लिखलन, का लिखलन हो बाबू? सलीम तवा आई है नहीं खे पहचान रोज होता धोखावा। दीपक बाबू लाइन पर ध्यान देव कि अरे बिरले कोई हित बाटे, बिरले कोई हित बाटे। कहे के मतलब हमारी बा कि आजकल धन के लालच में, कोई रुपया के लालच में निजी स्वार्थ सधावे बदे दोस्त के नाचिनत हुन, भाई के नाचिनत हुन, माई बाबू के नाचिनत हुन। ऐसा नहीं होना चाहिए। कदिन उठी कायु रहे दो दिन, आ दो दिन के बाद में फिर दो दिन के चांदनी, फिर अंधेरी रात। तय से कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन कि बिरले कोई हित बा त बिरले कोई मित हो, अब बिरले कोई निभावत ता जिंदगी आ के प्रीत हो। सही गुरु सरग में बहावे लरवा, आई है नहीं खे पहचान रोज होता धोखावा। ऐसे कहे के हमार मतलब ठेठ भाषा भोजपुरी में कि दोस्ती का फर्ज, दोस्ती का फर्ज गाना का शीर्षक रहा। दोनों मित जिंदगी का अपन भूमिका निभावलन। यही से कहत बानी कि दुनिया में अगर जिंदगी जिए के हो तो इंसान के जिंदगी ईमान के ना, एक दिन मर जा तो दुनिया नाव ले। आखिर लाइन में कहना बाका सदगुरु स्वामी पहारी साबिर बाबा परवीन राम जतन गुरु मुसई कहते तब समय गमगीन हो। Yeah!
अच्छा भैया, मैं लोकगीत बिरहा गायक भृगुनाथ शर्मा अपने पूरी पार्टी के साथ किरण म्यूजिक से आप बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी के देखरेख में आप लोग के बीच एक बिरहा भेजत हैं। जीवना बिरहा के शीर्षक बा मरद मेहरारू के लड़ाई। आप लोग से नम्र निवेदन हुई कि आप लोग ये गीत के सुन के सब्सक्राइब करब जा, लाइक करब जा, एकरा के आगे बढ़ावे के प्रयास करब जा। चार लाइन भूमिका के अंदर का नाम है मास्टर। नारी नरम है न लोहे से कम है, नरम है न इतिहास नारी का जग में, कभी बन के सबनम कभी बन के सोला, डंका बजाई है वीरों के संग में, राजा कुंवरू की बेटी रही कांतिका, अरे लड़के दंगल में कुश्ती दिखाने लगी, जोधा कोई तो लड़े जंग में, कर चुनौती को शादी रचाने लगी। अच्छा बाबू, ये हम नहीं बता रहे हैं, हमारा इतिहास बताता है, हमारा ग्रंथ बताता है, इस धरती पर नारी की अवतार कभी जो है किसी से कमजोर नहीं है। कभी जो है चाहे कोई काम हो, नारी जो है वही दुर्गा, वही काली, वही जो है खप्पड़ वाली बन करके वही किसी की माँ बनती है, तो कोई किसी की बहन बनती है, तो किसी की पत्नी बनती है। वही नारी कभी कभी रण क्षेत्र में तेगा लेकर के जो है क्रांतिकारी भी बनती है। वैसने वो नारी के कहानी बा, यही नारी राजा कौरू की बेटी जेकर नाम बतौली कांतिका। ए बाबू, एकदम जवानी चढ़ल बा 16 वर्ष की अवस्था में, भगवान बड़ी खूबसूरत चेहरा बनोले वालन हो। वो जो है कांतिका कौरू जहाँ माई कमच्छिया का मंदिर बा, बड़ी सुंदर अखाड़ा बा, वही अखाड़ा पर जा करके ऐलान कर देती है। ऐलान कर करके पूरे जो है धरातल पर जितने राजा थे सबके पास पत्र भेज देती है कि जो भी नौजवान जो भी पहलवान होगा आ करके इस अखाड़े पर हमको पराजित करेगा तो हम उसी के साथ शादी करेंगे। ए बाबू, उस समय भैल का कौवाली का टुकड़ा मास्टर बीरन के प्रति लिखल गई। कि बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए, कोवाली के टुकड़ा रहा। लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर फर्ज लिखल का कि है अगर जो धा तो पंजा मिला न है, है अगर जो धा तो पंजा मिला न है,
कायर नया वर्णन में दंगल से जाना है ए बाबू यहीं से कहानी का शुरुआत बा नंद कराई मास्टर करूंगी शादी जो दंगल के बीच आएगा करूंगी शादी जो दंगल के बीच आएगा पटक या ठाढ़े पर डोला को लेकर जाएगा लिखकर पापी पूरे विश्व को पठाई है वीरों की वीरता सारी नीति में मिलाई है हौसला पोस्ता हुआ सुन करना जमानों का हौसला पोस्ता हुआ सुन करना जमानों का कलेजा कांप जाता वीर पहलवानों का बड़का चुनौती चले कृष्ण मारा दानवा हो बड़का चुनौती चले कृष्ण मारा दानवा हो करे अपमान भारी मर्दन के जननवा हो ए बाबू जैसन की बतौनी असम में कौरू प्रदेश एक जगह है बाबू कौरू कमच्छा जहाँ कमच्छा माई के मंदिर बा ओहजिगे के रहे वाला राजा कौरू की बेटी कांतिका वो जो है अखाड़े पर ऐलान कर दी कि जो भी पहलवान होगा जो भी नौजवान होगा हमारे इस अखाड़े पर आकर के जो हमको पटक देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी ए बाबू जगह जगह हर राजा के पास पत्र चल गई सारा राज्य के राजा लोग जा करके कमच्छिया में लड़े खातिन के कांतिका से अपन लाइन लगावे शुरू कर दिलन लेकिन जिन अखाड़ा पर चढ़स उनका के चटे दे पलक भर में उठावे पटक हटा देवे ए बाबू ये पत्र जो है सटते सटते आ करके जो है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के जो है गेट पर सट गया भगवान कृष्ण के निगाह पड़ पड़ल की भाई ये राजा कौरू के रहे वाला कांतिका नाम की लड़की जो है ऐलान कर दी है ये पूरा लागा था कि धरती पे का जितना मर्द वाला सब करा के चैलेंज दे लो लागा था कि अब ये धरती पर मर्दन के पानी ना रही अब वो जनबा सज धज के वो चुनौती के स्वीकार करके चल देना कौरू प्रदेश आ जब चलन तब भइल का मास्टर भैया एक लाइन तर बा हमारो सवार रंग मन नहीं भावे ए हो सवरिया हमारो सवार रंग मन नहीं भावे ए हो सवरिया दिलावा में जगहा दे द दिलावा में जगह दे का करी गोर करिया ए बाबू ध्यान देंगे ये तो गीत था लेकिन जो है एकरा से सुंदर कवि जी भाव निकलन तब जब कृष्ण जो है द्वारिकाधीश अपने रथ को सजा करके चल देते हैं कौरू प्रदेश जाने के लिए वो सम लिखा गया का रथिया सजा के चले कुंवर कन्हैया कौरू नगरिया
हथिया सजा के चले कुंवर कन्हैया कवरू नगरिया कुटी में कैले बिया सबका के बोर गोरिया दंगल में देख भैया जी एक करो जवानी मददन का लूटल दिया बहुत मोटे मोटे जंघिया के रानव देखावे मोटा बाटन धरिया मोटे मोटे जंघिया के रानव देखावे मोटा बाटन धरिया कुर्सी में कैले दिया सबका के बोर बोलिया हे बाबू द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जो है कौरू प्रदेश पहुंच जाते हैं कामाख्या माई के मंदिर पर अखाड़ा सजलबा सोमवार में देश विदेश के राजा पहुंचल बालन कुश्ती जारी बा राजा कौरू की बेटी कांति का ऐलान करे ओ अखाड़ा पर चढ़ के ऐलान करत या कहत या कामा से भैया एक लाइन तर्ज लागल और झूलानी पंगानी और झूलानी पंगानी अरे जहाजिया बनवादी हमार पाया जे बड़ा जहीरा जड़ा दी ए बाबू ई त गीत के लाइन रह लेकिन या खड़ावा पर कांतिका करे का कि सारा जितनी पहलवान लोग गई बालन पटक पटक के छतिया बोला तवा रखे को बात कहे ये बतिया बतावे का मऊगा मरद सेना और होई लड़ाई अब ये बीरवा ले हथवा मिलाई जरा संद शिशुपाली रूप में जवा नवा करण दुरोधन हर दुशासन बिजनावा और भाग्य पहलवान केतना और भाग्य पहलवान केतना और मुहावा छिपाई आवाज़ दीरवाल बपनवा मिलाई ए बाबू उस कांतिका के अखाड़े पर जरासन शिशुपाल करण दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे नौजवान हार गए उस पराजित को देख करके कितना नौजवान अखाड़ा छोड़ करके चल देना
ए बाबू भगवान कृष्ण बगले में बैठल बन सोचल के रे बाप रे बाप इत लागत कि धरती पर मर्दन के पानिए ना रही। पूरा जौन बा लगलन अपन शरीर के अस्त्र वस्त्र उतार करके आ जंघिया लंगोटा सरियावे आ ओ समय जंघिया लंगोटा अपन कसे शुरू कलन आ मन ही मन सोचत कहत लंका एक लाइन तर्ज मास्टर ये गीत के लाइन बा कि मजा बरहो महीना कि मजा बरहो महीना तेरी गली में इत गीत के लाइन वाले के लिखल गई का लुट के मर्दन के पानी रानी बनेलू मारी के रियाज कांधा कुडले समरिया भूले लागल रान भइल दुगना शरीरिया रानी बने होला वो देखो पलहवानी रानी बनेलू ए बाबू इधर भगवान कृष्ण जो है जंघिया लंगोटा पहन करके अखाड़े पर चलने के लिए तैयार हो गए। अखाड़ा पर अपना कदम धीरे धीरे चढ़ावे शुरू कर मन ही मन सोचत लंका मास्टर टेरी के लाइन रहल अरे मर्दन के कवनो पानी ना रही अरे मर्दन के कवनो पानी ना रही तो लड़ब मेहर के संग में हार जीत होई हानि अरे हो हानि अरे हो हानि चले कन्हैया दंगल छोड़ के चले कन्हैया दंगल छोड़ के कमाख्या के सुनकर बाओ पहुंच गए अखाड़े में हस्तिनापुर गिरधर रातों रात भीमसेन का पुत्र घटोचक वीर बड़ा बलशाली था भीमसेन का पुत्र घटोचक बड़ा बलशाली था अरे हिडिंबा के जंगल में ठोक रहा भुजा पर ताली था। ए बाबू इधर देखें जैसे ही भगवान कृष्ण जौन बा अखाड़ा पर चढ़लन हो तब तक माई कमाख्या के मंदिर से आवाज आता है अकस्मारी होता है क्या है प्रभु इस अखाड़े पर चुनौती जो है पहलवानों के लिए है वीरों के लिए है जो वीरों के वीर महावीर है उसके लिए यहाँ चुनौती नहीं है। और आप किसके साथ लड़ने जा रहे हैं एक कांतिका के साथ जो कि आपकी भक्त है अगर वो पटकती है तो भी आपकी बदनामी और पटकाती है तो भी आपकी बदनामी इसलिए आप जो है इस अखाड़े पर न जाइए। ए बाबू माई कमाख्या के आवाज को सुन करके आकाशवाणी को सुन करके बाबू भगवान कृष्ण वहां से अखाड़े पर से उतर करके अपने रथ पर सवार होकर के चल देते हैं कहां जहां की युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन पांचों पांडव बैठे हुए हैं। बाबू हस्तिनापुर चले जाते हैं और जाकर के सारे पांचों पांडव से कहते हैं सारी बात को बतलाते हैं। भीमसेन कहलन कि अच्छा ऐसा बात बता चल हमारे को जोन बा कटक जंगल में हमारे को लड़का रहेला वो
लड़का से भेंट कर जाए वो हो जाए खड़ा समारी। पांचों पांडव और भगवान कृष्ण चल देते हैं कटक जंगल में हिडिम्बा के दरबार पर। बाबू जैसे ही जौन बा कटक जंगल में प्रवेश किया तो देखत का बालन लोग कि घटोत्कच जो है अखाड़ा एकदम बना करके एकदम 10-20 गो पहलवान लेके रियाज करावता। उजी अखाड़ा के पास पहुँचल भीमसेन जा करके घटोत्कच के बुला के एक बात कल का कल मास्टर एक लाइन तर्जबा मुहावा फूला वालू ये रनिया मुहावा फूला वालू ये रनिया कवने कारनवा ए बाबू भीमसेन अपने पुत्र घटोत्कच के बुला के कहे ये बात बतावे का सोमवार रचाइले ये बेटा कौवा नगरिया राड़ावा में राखिला बेटा हो राड़ावा में राखिला बेटा हो बाबू के पागलिया बड़े बड़े बीरवन के बेटा हो हिलेला तांगरिया लजिया बचा ला बेटा हो लजिया बचा ला बेटा हो चली के सामरिया ए बाबू पांचों पांडव और कृष्ण की जो है बात को सुन करके घटोत्कच जो है कांतिका की चुनौती को सुन करके पांचों पांडव के साथ कृष्ण को लेकर असम कौरू कमख्या मंदिर में आ गया। जंघिया लंगोटा चढ़ा करके रेफरी साहेब के सामने पहुंचा। कहा साहेब कुश्ती 1 मिनट के होखे चाहे 1 घंटा के होखे इस अखाड़े पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी चाहे कुश्ती दिन रात का है ना होके। ए बाबू दोनों ओर से जौन बा एक तरफ से कांतिका और एक तरफ से घटोत्कच लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय भैल का मास्टर एक लाइन तर्जबा निबिया कदाली मैया लावे लुई झूला नवा हो कि झूली हो झूली ना मैया मोरी गावे बिटिया हो We'll be right back.
भीमा के लला नवाया के घर जल बातमा नवा की मानवा मानी हो जाई है ना तोरा बदंगल में घुमा नवा की मानवा मानी हो जाई है ना ए बाबू भीमसेन का सपूत घटोत्कच है एकदम मन ही मन जान बा चैलेंज कर सकता कि आज तो हार जोन बा ए अखाड़ा पर तो कोड़ी भसकैबे करो मन ही मन विचार करे ओ समय भई का बड़ी गइल बाटे आजी मरो दोस्त पाला जाई बरिया तो हर कुलायोई खानवा की मानवा मानी हो जाई है ना की मानवा मानी हो जाई है ना तोड़ा बदंगल में घुमानवा की मानवा मानी हो जाई है ना ए बाबू चढ़ के अखाड़ा पर दोनों जोन भाई अपन अखाड़े से मिट्टी उठा करके हाथ मिलाने के लिए तैनात हो जाते हैं और जैसे ही हाथ मिला करके लड़े के शुरुआत के लिए मास्टर तो चलोरिया के लाइन लिखल का कुश्ती हो खे दंगल बीच लागल मायदानवा हो जवानवा ताली बाजल गगनवाना माई के जयकारी सब तक पटक बैठल सीने पर मारदा नवा हो जवनवा ताली पादल गगनवाला ए बाबू जब दोनों तरफ से अखाड़े के बीच लड़ाई शुरू हो गया आ जैसे शुरू भइल हो चट्टे दे जौन बा अपन कांतिका लगौलस दाव ऐसन दाव लगौलस कि बुझाइल कि टांग के घट उठ के फेंक दिले भीमसेन जौन बा आवाज के कहलन अरे बेटा संभर के तब तक जो है घटोचक जो है अपना दाव से कट जाता है बाबू और कट करके जो है अपनी दाव लगा करके ऐसन दाव लगा कर उठा के फेंकलस हो कि कांतिका जो है जा करके अखाड़े पर चारों खाना चित हो जाती है आ जैसे ही चित भैली तो चटे दे ठेगुनावा घुटनवा जाकर छतिया पर लगा के बात कहलस का कहलस मास्टर पापट के लाइन बा अरे दाब दिया घुटना से धके छाती अब फनई बूका अरे दाब दिया घुटना से धके छाती अब फनई बूका कर हवाले गोरिया अपन थाती अब शर्मई बूका We'll be right back.
भीमसेन का लाल घटोत्कच विश्व विजयी कहलाया, सोमवार का जयमाल गले में ले दुल्हन को पहिराया। अरे सानी मरद न भागर से खाती तू यजमई बूका, चल पहुरवा ससुरे में सब बाटी तू ये फनई बूका। ए बाबू जैसे अखाड़े पर पटक करके घुटनवा से दबल हो चटे से कांति का हाथ जुड़लस, कलश की स्वामी हम आपके पति मान गई। चट्टे दे जौन बा घटोचक अखाड़ा पर से खड़ा बिलन चट दे जो है कांति का खड़ा हो करके और जयमाल लेती है बाबू, ले करके वही स्वयंवर में घटोचक को जयमाल पहना देती है। यहर जौन बा जितनी नौजवान परमान ऊजा बैठा रह बाबू एकदम चौतरफा हला हो गया कि घटोचक जो है भीमसेन का बेटा जो है विश्व विजयी है, ऐलान हो गया। आ तब तक भाई का भैया अल्लाह के लाइन बा बाजल कोमरू नगरिया सदिया के मंडप राजा दे हाले छवा। हस्तिना नगरिया से सजली बरतिया, हाथी घोड़ा पलकी चले रथिया सजा। बिना दूल्हा के चलल दिल से बरतिया, पांचो भाई पांडव जहां समधि कहा, भीष्म पितामह गुरु द्रोण बल करिया। कमरू नगरिया में पहुंचे हैं या ताही बीच माड़ावा में बैठल दुल्हनिया। दोनों वर्ष पंडित जहां बेदावा सुना, ले के घटो तो घास मांगी के संदूरावा। कांति का के मांगी या के दिहल सजा, सातो भाव घेरा ले का दूल्हा दुल्हनिया। ए बाबू इधर जो है कौरू प्रदेश में कांति का जो है घटोचक को जयमाल पहना देती है बाबू, लेकिन कुछ लोग जो कि हस्तिनापुर के लोग थे, कांतिका के पिता जो है आकर के कहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जा करके हस्तिनापुर से बारात सज करके आइए, आपके लड़का दूल्हा जो है यहीं हमारे कक्ष में जो है विश्राम करेंगे। ए बाबू जा करके पांचों पांडव जौन बा हस्तिनापुर से पूरा जौन बा बिना दूल्हा एकदम सज धज के बारात पहुँचल हो। आ जब बारात पहुँचल अलन बारात लेकर के घटोचक और कांतिका के शादी हुई, एकदम धूमधाम से शादी भइल। पंडित जौन बा पंडित अपन मंत्र उच्चारण कर सब जनबा एकदम बढ़िया से बीत गई। तब जो है कांतिका को दुल्हन बना करके घटोचक विदा करा करके ले जाता है अपने मात ही डिम्बा के पास। जब लेके गई तब ओह समय भइल का भैया खड़ी के लाइन रहा।
बिनापुर बरतिया धधाइलू बाबुनी अप्पा के सजिया पर सजनमा यधाइलू बाबुनी घटोर चक सुहाग मनाया भैल मरस से भेंट छ माह के बाहर भीतर रह गई तोहरों पेट अरे घाट के हलुआ ओ छवनिया खियाइलू बबुनी पाके सजिया पर सजनमा यधाइलू बबुनी ए बाबू मात हिडिंबा जो है अपने दुल्हन को जो है अपने घर में उतार करके बड़ी प्रेम से जो है अपने कृति के अनुसार सारा कर्म कर करके घटोत्कच को सुहागरात की व्यवस्था बनाई। घटोत्कच जो है अपना सुहागरात मनाया कुछ ही दिन के बाद दो चार छः महीने के बाद जौन बा कांतिका के जौन बा पेट में बच्चा रह गया। प्रमाण मिलता है जैसे समय पूरा हुआ बाबू एक साथ दो पुत्र का पैदा हुआ जिस पुत्रों का नाम रहा बड़े पुत्र का बर्बरिक और छोटे पुत्र का मेघ वर्प। ए बाबू यहीं से कहानी के लास्ट रहल अंतिम लाइन रहल। गुरु बिहारी राम रतन धन मुसई जी पहारी और ये शोभनाथ मान धातो हीरा के कलम से निकले चिनगारी हो तरे मरद के कौनो पानी ना रही तो शर्मा भृगुनाथ के रक्षा करे भवानी हो मरद के